आज के ताजा मौसम समाचारों के इस अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की, कि देश के किन किन राज्यों में आज बदलने वाला है मौसम का मिजाज, देश के किन किन राज्यों में आज बारिश की है संभावना, देश के किन किन राज्यों में अब गिरेगा पारा, पूरी जानकारी देंगे आपको इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की, तो दिल्ली NCR समेत देश के इन राज्यों में पड़ेगी कड़ाके की ठंड, मौसम विभाग ने बारिश का जारी किया है अलर्ट। देश के कई इलाकों में ठंड थमने का नाम नहीं ले रही है, ऐसे में नए साल की शुरुआत होते ही कई राज्यों में ठंड का जो असर है वो और भी तेज यहाँ पर हो गया है। वही पूरे उत्तर भारत में शीतलहर ने अपने यहाँ पर पकड़ जमा रखी है। वही उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है, जिसका असर मैदानी इलाकों में भी दिख रहा है। वही पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर कई मैदानी इलाकों में बारिश ने यहाँ पर ठंड बढ़ाने का काम किया है। वही मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली NCR और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में इन दिनों यहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वही धूप में बिल्कुल भी यहाँ पर गर्माहट नहीं है, जिससे लोगों को हल्की राहत यहाँ पर मिल सके। वही उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों में शीतलहर से लोग परेशान है। वही मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में यहाँ पर कहा, यानी मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज प्रदेश के अंदर शीतलहर से यहाँ पर राहत नहीं मिलेगी, आज भी शीतलहर जारी रहेगी। वही कल से यानी 4 जनवरी से बारिश के आसार है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में मंगलवार, बुधवार यानी 4 और 5 जनवरी को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वही पर्वतीय इलाकों में बारिश के साथ साथ बर्फबारी होने की भी संभावना है, जिससे तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। वही मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाली एजेंसी स्काईमेट वेदर के अनुसार जम्मू कश्मीर के ऊपर एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न एडवेस्ट है, जो यहाँ पर मंगलवार तक मजबूत होकर पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में पहुंच सकता है, जिससे यहां बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। इसकी वजह से उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और NCR के इलाकों में घना कोहरा छाया रह सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं राज्यभर मौसम विभाग के समाचारों की, तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान राज्य के मौसम अपडेट की। तो राजस्थान में कड़ाके की सर्दी, मौसम विभाग ने जारी की है चेतावनी। राजस्थान में बीते कुछ दिनों से कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। इस दौरान जहां प्रदेश के करीब सभी जिलों में तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया जा रहा है, तो वही दिन का तापमान भी करीब 20 से 21 डिग्री के आसपास राजस्थान में दर्ज किया जा रहा है। वही राजस्थान में अगले 24 घंटों में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के साथ ही सर्दी में और बढ़ोतरी होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई, यानी मौसम विभाग की ओर से चेतावनी दी गई है। वही बीती रात करीब 1 डिग्री तक बढ़ा है रात का पारा। आधा दर्जन से ज्यादा जिलों में यहाँ पर 10 डिग्री के आसपास राजस्थान में तापमान दर्ज किया गया। जयपुर में बीती रात 8.3 डिग्री तक यहाँ पर पारा पहुंच गया। वही प्रदेश में बीती रात अधिकतर जिलों में रात का तापमान मिला जुला दर्ज यहाँ पर किया गया। इस दौरान करीब 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में रात के तापमान में करीब 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वही करीब आधा दर्जन से ज्यादा जिलों में 1 डिग्री तक की गिरावट भी दर्ज की गई है। वही बीती रात करौली में यहाँ पर 3.7 डिग्री के साथ सबसे यहाँ पर सर्द रात राजस्थान में दर्ज की गई है। जयपुर का पारा 8.3 डिग्री दर्ज किया गया है। इसके अलावा अजमेर का 9 डिग्री और भिलवाड़ा का 7.8 डिग्री के आसपास पारा दर्ज किया गया। हनुमानगढ़ का यहाँ पर 4.2 डिग्री के आसपास पारा यहाँ पर दर्ज किया गया है। वहीं जयपुर मौसम विभाग केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया है कि 4 जनवरी कल यानी कल शाम से यहाँ पर एक राजस्थान में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना बन रही है। वहीं साउथ वेस्ट राजस्थान के ऊपर बने सर्कुलेशन और अरब सागर से चलने वाली हवाओं के चलते आज यहाँ पर राजस्थान में आज तो यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन कल यानी 4 जनवरी से शाम से यहाँ पर प्रदेश के अंदर बारिश की गतिविधियाँ में बढ़ोतरी होगी। साथ ही 5 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान के पश्चिमी इलाकों और पूर्वी इलाकों में कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश से दर्ज की जाएगी। साथ ही इस सिस्टम का जो असर है वो 4 से यहाँ पर 7 जनवरी तक रहने के आसार है। वही मौसम विभाग के अनुसार नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के साथ ही आने वाले दिनों में मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है। अगले 3 दिनों तक जहां कड़ाके की सर्दी से हल्की राहत मिलती हुई नजर आएगी, तो वही तापमान में भी हल्की बढ़ोतरी दर्ज होने की संभावना है। साथ ही 7 जनवरी के बाद एक बार फिर से प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर यानी शीतलहर लोगों को परेशान करने लगेगी, यानी शीतलहर का दौर है जो एक बार फिर से राजस्थान में शुरू होने के पूरे पूरे आसार है। वही बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के मौसम अपडेट की, तो मध्य प्रदेश में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 24 घंटों में बदलेगा मौसम, सर्द हवाओं के कारण बढ़ेगी ठंड। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश में भी मौसम में परिवर्तन यहां पर देखने को मिलेगा। वही मध्य प्रदेश में फिलहाल तो कड़ाके की सर्दी यहां पर जारी है। वही रात को तेजी से गिरता पारा यहां पर अब थोड़ा यहां पर कम होने लगा, यानी रात के पारे में थोड़ा ब्रेक यहां पर लगा है, कहीं कहीं 10 डिग्री के ऊपर चला गया है। वही अगले 1-2 दिनों में प्रदेश के अंदर शीतलहर तापमान में हल्की बढ़ोतरी होगी। वही
2 डिग्री सेल्सियस तक तो पारा है वो यहाँ पर बढ़ सकता है भाई। कोहरा और सर्द हवाओं के कारण सर्दी ये रहेगी। यहाँ एक पश्चिम विक्षोभ यानी पाकिस्तान से आने वाली नम हवाओं के कारण ये हो रहा है भाई मौसम। वैज्ञानिक पी के साह ने बताया कि 5 जनवरी के बाद भी मध्य प्रदेश के अंदर भी यहाँ पर बारिश के आसार बन रहे हैं भाई। पानी गिरने के आसार यहाँ पर जताए गए, यानी पानी गिरने से ठंड में एक बार फिर एमपी में इजाफा हो जाएगा। अब तक एमपी के उत्तरी और उत्तरी पूर्वी हिस्सों में हल्का कोहरा भी देखा गया है और उत्तरी पश्चिमी एमपी में कई जगह घना कोहरा भी देखने को मिला है। लगभग पूरे प्रदेश भर में यही स्थिति है भाई। भोपाल समेत कुछ इलाकों में दिन में हल्का कोहरा यहाँ पर है भाई। अगले 2 दिन तक ग्वालियर और चंबल संभाग के कुछ जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा भाई। शहडोल और सतना और कटनी दतिया और ग्वालियर और शिवपुरी में हल्का कोहरा छाया हुआ है। वही प्रदेश के अंदर दिनों रात के तापमान में बढ़ोतरी हुई है। बीते 24 घंटों में 24 डिग्री सेल्सियस पार यहाँ पर पारा अधिकतम चला गया है। इंदौर खंडवा खैरगोन में तो अधिकतम तापमान 25 से ज्यादा हो गया है। विशेष मध्य प्रदेश में 24 ऐसे कम यहाँ पर तापमान है भाई। रात का तापमान सामान्य से ज्यादा हो गया है भाई, 10 डिग्री के आसपास है। वही बुंदेलखंड और महाकौशल इलाकों में ठंड का जोर ज्यादा है। वही इंदौर भोपाल ग्वालियर चंबल और उज्जैन संभागों में अपेक्षित ठंड यहाँ पर का कमजोर है। यहाँ दिन का तापमान करीब 25 के आसपास और रात का यहाँ पर 10 डिग्री से ज्यादा यहाँ पर बना हुआ है। वही मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि आने वाले यहाँ पर 24 से 48 घंटों में एमपी के अंदर बारिश का दौर यहाँ पर शुरू हो सकता है। बारिश के कारण एक बार फिर यहाँ पर लोगों को ठंड का सामना यहाँ पर करना पड़ेगा। वही बात करते हैं अब छत्तीसगढ़ राज्य के मौसम अपडेट की, तो छत्तीसगढ़ में बदला है मौसम का मिजाज। कई इलाकों में कोहरे के साथ सर्दी का जोर। उत्तरी छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग के अधिकांश हिस्सों में आज सुबह यहाँ पर कोहरे की मोटी परत यहाँ पर देखी गई है। वही कल यहाँ पर सुबह 11 बजे से धूप निकली, लेकिन आम लोगों को यहाँ पर राहत तक यहाँ पर मिली थी। लेकिन आसमान साफ होने के बाद शीतलहर का प्रकोप से यहाँ पर मौसम में ठंडक घुलने लगी है। इसी लहर से सरगुजा संभाग के सभी जिलों में ठंड का असर देखने को मिला है। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक 2 दिन तक सामान्य मौसम रहने के यहाँ पर आसार जताए गए हैं। वही मौसम विभाग के मुताबिक सरगुजा संभाग का मुख्यालय और इसके अलावा अंबिकापुर में बीती रात जो न्यूनतम तापमान है वो 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वही अधिकतम तापमान 17 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। इसके अलावा संभाग में कहीं भी बारिश यहाँ पर नहीं हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में यहाँ पर तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना कम है। वही 2-3 दिन बाद न्यूनतम तापमान वो एक बार फिर बढ़ेगा। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण बढ़ेगा। वह महीने के दूसरे सप्ते में बादलों की आवाजाही बढ़ेगी। वह मौसम विज्ञानी अक्षय मोहन भट्ट ने यहाँ पर बताया है कि पूरा जो उत्तर छत्तीसगढ़ है घना कोहरे के आगोश में यहाँ पर आज रह सकता है। यहाँ सुबह के वक्त यहाँ पर कुछ इलाकों में कोहरा छाया रहेगा। वही कुछ इलाके यहाँ पर कुछ इलाकों में विजिबिलिटी साफ रहेगी। वही मौसम विभाग की ओर से कहा गया कि अब सर्दी का जोर जो है वो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में और भी बदलने वाला है। मतलब सर्दी का दौर यहाँ पर छत्तीसगढ़ में और तेज होने वाला है। बात करते हैं बिहार राज्य के मौसम अपडेट की, तो बिहार में शीत लहर का दौर जारी। पटना में खिली धूप तो शाम को और बड़ी है कनकनी। बिहार के अंदर लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। वही जनवरी महीने की शुरुआत यहाँ पर कपकपाती ठंड से हुई है, जहाँ पटना में शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। वहीं गया, दरभंगा और पूर्णिया और इसके अलावा भागलपुर सहित कई जिलों में लोग ठंड से कांप रहे हैं। वही रविवार के दिन यहाँ पर साल के दूसरे दिन लोग आग लावा कंबल का सहारा यहाँ पर लेते हुए दिखे गए थे। वही बिहार में ठंड का असर यहाँ पर रविवार को काफी तेज रहा था। वही दिन में यहाँ पर धूप खिली, लेकिन देर शाम से फिर यहाँ पर कपकपी बढ़ गई। वही पटना में लोग यहाँ पर सड़क के किनारे अलाव से तापते नजर आए। वही कश्मीर में भी यहाँ पर जारी चढ़ाई कला का असर मैदानी इलाकों में भी पड़ रहा है। वही मौसम की जानकारों की रिपोर्ट के मुताबिक 70 से 150 किलोमीटर ऊपर बचुआ और उत्तर पश्चिमी जो हवा का प्रभाव बना हुआ है, इसी प्रभाव से अगले 2 दिन तक यहाँ पर सुबह के अंदर अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट के आसार है। बिहार में ठंड का प्रकोप अब बढ़ गया है। वही कोल्ड डे जैसे आसार पे भी नजर आने लगे हैं। वही कल राजधानी पटना और अन्य इलाकों में ठंड होती देखी गई है। दिन में धूप के दर्शन भी दुर्लभ यहाँ पर हो रहे थे। वही रविवार को ठंड तेज हो रही, लेकिन दिन में थोड़ा यहाँ पर धूप खिली रही, जिससे लोगों को यहाँ पर थोड़ी राहत जरूर यहाँ पर बिहार के अंदर मिली है। वही पहाड़ों पर बर्फबारी और पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बिहार में ठंड का प्रकोप जारी है। मौसम का यह हाल अगले 5 दिनों तक यहाँ पर रहेगा। इसके बाद यहाँ पर शीतलहर का प्रकोप यहाँ पर जारी रहेगा। इसके कुछ दिनों में यहाँ पर लोगों को ठंड से राहत मिलेगी। मौसम का ये हाल पूर्वी बिहार के बांका और भागलपुर, लखीसराय, चुमोई और मुंगेर और खगड़िया
और कटिहार, सिरसा और सुपौल, अररिया और किशनगंज में ये यहाँ पर मौसम की स्थिति बनी रहेगी। वही बात करते हैं हिमाचल प्रदेश राज्य के मौसम अपडेट की, तो हिमाचल प्रदेश में चार दिन तक बारिश और बर्फबारी की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में नए साल से लगातार मौसम में यहाँ पर बदलाव देखने को मिल रहा है। रविवार सुबह भी यहाँ पर कड़ाके की सर्दी से यहाँ पर हुई, वही आसमान में बादल भी छाए रहे हैं। प्रदेश में चार दिन तक बारिश और बर्फबारी की संभावना बन रही है। वही 4 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर सक्रिय होगा, इसके कारण 5 से 7 जनवरी तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने से इलाकों में बारिश हो सकती है। इस संबंध में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। वही 4 जनवरी तक प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना है, लेकिन मौसम विभाग की ओर से इसे यहाँ पर मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर मौसम करवट रहेगा। प्रदेश में बादल अभी उमड़ रहे हैं। प्रदेश में घूमने आए पर्यटकों को नए साल की पहले बर्फबारी का इंतजार है। वह मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में यहाँ पर ठंड और बढ़ेगी। प्रदेश में कल यहाँ पर धूप खिली रही, इसके कारण अधिकतम तापमान में करीब 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है। वह किसानों और बागवान बारिश और हिमपात का इंतजार कर रहे हैं। वह लंबे समय से बारिश नहीं होने के कारण फसलें भी यहाँ पर इस राज्य में लगातार प्रभावित हो रही है। वही बात करते हैं दिल्ली एनसीआर की, अब मौसम समाचारों की, तो बर्फीली हवाओं से दिल्ली एनसीआर में बड़ी है ठिठुरन, प्रदर्शन का कहर भी लगातार जारी। दिल्ली के साथ साथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद में कड़ाके की ठंड और प्रदूषण का प्रकोप लगातार देखने को मिल रहा है। वही दिल्ली में रविवार को सर्द हवाओं के साथ ठंड में इजाफा हो गया, तो राजधानी की हवा की गुणवत्ता बहुत ही खराब श्रेणी में है। वही मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज यहाँ पर शीतलहर आज जारी रहेगी। वही 5 से 7 जनवरी के बीच मध्यम तेज बारिश की संभावना है। उम्मीद है कि दिल्ली एनसीआर के लोगों को कुछ दिन में यहाँ पर जहरीली जो हवा है उससे राहत यहाँ पर मिलने के पूरे आसार यहाँ पर जताए गए हैं। इसके अलावा मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि ये शीतलहर वो आज तक यहाँ पर जारी रहेगी। वही कल से यहाँ पर न्यूनतम तापमान में वृद्धि का अनुमान जताया गया है, इसके कारण यहाँ पर 4 से 7 जनवरी के बीच जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है, भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इसके चलते 5 से 7 जनवरी के बीच पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान के अधिकांश इलाकों में बारिश की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश के भी पश्चिमी इलाकों में बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से अपडेट जारी किया गया है।